चबले तूफानिया मोरी बले तूफनिया मरीना भोजपुरी में लेके कोनो बढ़ी ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चांदनी जी, जिनका हमेशा आप लोग कहीं ना कहीं स्टेज को देखे होंगे, और इनका एक विवाद रहता है तूफानी लाल यादव के साथ। सारी बातें को क्लियर करेंगे और जानते हैं कि भाई मैटर क्या रहता है। तो चांदनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं सभी को नमस्ते। कितने दिन हो गया भोजपुरी लिस्ट में? 3 साल 4 साल जैसा। 4 साल अपने मन से आइए, अपने मन से, मतलब घर वालों ने बोला है? नहीं, मेरे घर में सपोर्ट रहता है, रोक टोक नहीं है, सब लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, कितने स्टेज शो अभी तक करते हैं? स्टेज शो में बहुत की हूँ। ये मेरे गुजरात वाले जितने भी हैं, अगर देख रहे हो तो उनको पता है कि मैं ये चीज़ झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर ये लोग वीडियो देखेंगे उनको पता है चांदनी सच बोल रही है। मैं रिकॉर्डिंग आई ना स्टेज काफी की हूँ। अच्छा, कौन कौन से भोजपुरी के स्टार हैं जिनके साथ आप स्टेज पर? आलम जी हो गए, आलम राज, दीपक जी के साथ में की हूँ, दीपक। हाँ, खेसारी जी के साथ में की हूँ, कलू जी के साथ में वहीं की हूँ मुंबई में, मनोज जी और रवि जी और पवन जी के छोड़ के बाकी सब। हाँ, नीरवा जी के भी। लेडीज में कोई? लेडीज में रानी चटर्जी। रानी चटर्जी से। हाँ चलिए, अच्छा जाने का प्रयास करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतने स्टारों के साथ शेयर कर चुके स्टेज को, रिकॉर्डिंग आने का क्या रहता है आपका? अब आए हैं ना, अब करेंगे, अब रिकॉर्डिंग चलेगा। हाँ, इससे पहले आप एक भी रिकॉर्डिंग आना नहीं है? गाए होंगे दो चार, मुंबई में गाए थे, जो आर्या जी है यही गवाए थे। फर्स्ट मेरा गाना आर्या जी रिकॉर्ड, तब ये वहाँ रहते थे तो यही गवाए थे, तो वो चैनल ही डिलीट हो गया। कितने साल पहले? लॉकडाउन के पहले। अच्छा, अब स्टेज से इनका बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल चुका है। जाने का प्रयास करते हैं कि आपकी भोजपुरी में बहुत सारे स्टेज शो आपने किया है, बहुत सारे लोगों से मिली भी होगी, क्या प्रॉब्लम रहता है एक लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप अच्छे से रहेंगे तो सब चीज़ अच्छा है, आप खुद ही बुरे होंगे तो सब चीज़ बुरा है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी बेटी बहन को नहीं आने देते हैं कि भाई गंदा है, क्योंकि वो अपनी बेटी बहन का लक्षण देखते होंगे कि उनकी बेटी बहन का लक्षण क्या है, इसलिए नहीं आने देना चाहते। अच्छे होते तो, अच्छी होती बेटी बहन तो आने देते, उनको पता है शुरू से ही मेरी बेटी का बहन का लक्षण खराब है, तो इसलिए नहीं आने देना चाहते। भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदा गाना तो निकलता है, कोई ना कोई बात मैंने गाना होता है तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको गाना है कि नहीं गाना है। अच्छा, आप असली गाना गाते हैं कि नहीं? नहीं नहीं। हाँ, पैसा वैसा देकर बोलता है, अरे कोई कुछ भी दे दे, असली ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, सब डबल मीनिंग गाते हैं, अब मेरे पास आएगा तो मैं भी गाऊंगी, बहुत जल्द गाने वाले भी हूँ, लेकिन आपको देखना है कि मतलब वो कहाँ तक सही है, सीमित है, कहाँ तक हमको गाना चाहिए असली में भी, जहाँ सबको अच्छा लगे, सब लोग सुन सके, आपके घर के भी सुन सके, वहीं तक गाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी में जो सुपर स्टार है हमारे तूफानी लाल यादव जी, उनके साथ भी कोई पंगा हुआ था, उन पर आप एक गाना बनाई थी, कौन सा गाना था वो गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए? कितनिया दीदी के देवे खाली गारी हो, एकर जाई निकल घमंड सारी हो, कि मिली ना सुकून जबले आला से एक जरी ना, आ जबले तूफनिया मरी ना, भोजपुरी में लेके कोनो बढ़ी ना। महाराज, ऐसे तो गाना गाए लग रहा है तूफानी यादव से आपको खानदानी प्रॉब्लम है? नहीं, खानदानी प्रॉब्लम नहीं। आप मतलब प्रॉब्लम क्या रहते हैं उनसे कि इस टाइप पे गाना बनाते हैं? क्योंकि वो लड़कियों को हमेशा टारगेट करता है, गंदा वीडियो बनाता है, तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, इस गाने के बाद तानिया जी का नाम दिया, तानिया जी ने फोन किया इस गाने के बाद? हाँ, मुझे बोली बाबू अच्छा की। अच्छा की? हाँ, क्योंकि मुझे मानती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जितना बोले, आप कोई भी मेरा इंटरव्यू, कम से कम 20 इंटरव्यू दिए होंगे, उठा के देखिए, कहीं भी अश्लील हो तो हमको जूता उठा के मारिए, कहीं हम नहीं गाली दिए ना, आप शब्द ज्यादा से ज्यादा यही बोले हैं, कुत्ता है दोगला, इससे ज्यादा हम कुछ अपशब्द नहीं बोले, उठा के देखिए पूरा इंटरव्यू। कहीं में कौन से स्टार का आप गाना सुनना पसंद करते हैं? मेरे को सभी के अच्छे लगते हैं। स्पेशली कोई होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, सिंगर मतलब पवन जी कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। उनका कोई गाना फेवरेट है? लव सॉन्ग। लव सॉन्ग कोई भी हो, मैं एक्चुअली ज्यादा भोजपुरी मतलब जितना स्टेज का काम होता है उतना रट लेती हूँ जाके करके। अच्छा, अभी उनका एक हिंदी वाला गाना है तो हिंदी? नहीं, मैंने सुना ही नहीं, बस सुन रही हूँ कि आया है, पर मैंने सुना नहीं अभी। नहीं। ये चांदनी जी और इनके बीच क्या विवाद रहा, और आप लोगों ने सुन लिया है, अगर कन्फर्मेशन हो गया तो कमेंट कीजिएगा। जाते जाते अपने पब्लिक से, दर्शक से क्या करना चाहिए? मैं भी आई हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे भी गाने आने वाले हैं, आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए, गंदे गाने का सपोर्ट मत कीजिए, है ना, बढ़ावा मत दीजिए गंदे चीज़ों को, और गंदे सिंगरों को मार्केट से निकाल के बाहर फेंकिए। चलिए, ऐसी बात है, और मैं चाहूँगा कि जितना भी इन्होंने बात बोला है कि सिंगरों लोग का थोड़ा क्लेम कसिए जो कि गंदा गा रहे हैं, असली गा रहे हैं, उनको जरूर आप एक दो जो जरूर आपके जो हैंड में रहता है वो तो जरूर कम करवा सकते हैं। बाकी चांदनी जी, इनका वीडियो कैसा लगा और इनका इंटरव्यू कैसा लगा, स्टेज शो कैसा लगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए गुड बाय।